एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित चिरचिटा गांव पड़ा। लगभग 3150 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। ग्रामवासियों ने वर्तमान में मलखान सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, जिस जिम्मेदारी को वर्तमान प्रधान द्वारा अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। लगभग 2400 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 338 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 199 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 300 विद्युत पोल, 13 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 52 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 नल रिबोर कराए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान ने गांव में नौखडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, 10 सीसी टाइल्स रोड, तालाब, पानी की टंकी, स्कूल की बाउंड्री व मैन गेट का निर्माण कराया है, तथा वर्तमान प्रधान ने अपनी देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 231 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, शमशान घाट, पानी की टंकी, खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पानी निकासी के लिए नाली, तालाब, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। खान सिंह, ग्राम जैनुद्दीनपुर चिचरा, पोस्ट बिनोली, जिला बागपत। मैंने अपने गांव में जो विकास कार्य किए वो ये है। मैंने गांव में विकास कार्य किए, गांव में चैनल लगाए थे, सोलर लाइट लगाई है, इंटरलॉकिंग किया है, खड़ंजों का पुनर्निर्माण भी किया है, कुछ नवनिर्माण खड़ंजे में लगाए हैं और तालाबों की खुदाई वगैरह भी की है, नालों की सफाई भी की है और जो भी विकास से संबंधित कार्य हैं वो लगभग हमने सभी कराए हैं, कुछ कराने बाकी शेष है। ठीक है, तो शमशान नहीं है हमारे यहाँ, शमशान घाट बनाने जा रहे हैं, चाहते हैं बनाना, उसके लिए जो है सरकार से हम कुछ सहायता चाहते हैं और एक कुछ पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए नाला हो उसका निर्माण हो जाए, उसके लिए भी कुछ सरकार हमें दे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। शौचालय हमने लगभग जो है 250 के करीब या 230 के करीब हमने लगभग बना दिए हैं। शमशान बारात घर भी नहीं है, बारात घर की भी इच्छा है, आवश्यकता है। पानी की टंकी ये गांव में नहीं है, पेयजल की समस्या है, इसलिए पानी की टंकी भी की भी हमें आवश्यकता है। बच्चों के लिए खेल के मैदान वगैरह हैं, उनमें जो वृक्षारोपण हो जाए, चार दीवारी हो जाए, ऐसी हमारी भविष्य में इच्छा जो है कि हम गांव का कुछ और विकास करें, गांव का सौंदर्यीकरण हो, गांव में स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन पशुओं का स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं है, अगर पशुओं का स्वास्थ्य केंद्र गाँव बन जाए तो बेहतर होगा।